तो गाइस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ चुका है एंड्रॉइड फोन के लिए। तो गाइस आई होप आपने भी डाउनलोड कर लिया होगा। तो गाइस यहाँ पे बैटल ग्राउंड अलग से तो सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड में लॉग इन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, क्योंकि उनका जीमेल से अकाउंट लॉग इन ही नहीं हो रहा है। बैटल ग्राउंड में जो डाटा ट्रांसफर है वो हो ही नहीं रहा है उनका लोगों का। तो गाइस उनके लिए मैं सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, दी वीडियो सोल्यूशन के ऊपर आने वाली है। तो गाइस अपन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। आप में से काफ़ी लोगों की यही प्रॉब्लम होगी गाइस कि उनका अकाउंट गूगल से होगा और गूगल का वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है बैटल ग्राउंड में। तो आपका जो पुराना वाला अकाउंट है वो आपको खोना पड़ेगा। नहीं गाइस, आपको अपना पुराना वाला अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खोना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आ चुका हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने जो पुराना ग्लोबल वाला अकाउंट है वो अपना बैटल ग्राउंड में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल से अपना ट्रिक के तरफ बढ़ रहे अपन टॉपिक से बढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक तरफ बढ़ने का अगर मेरी आवाज़ आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और भी ज़्यादा तो आप हैशटैग कंटिन्यू करके लिख सकते हो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो टू द वीडियो टॉपिक। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं सारा ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना जो गूगल ग्लोबल का अकाउंट था उसको बैटल ग्राउंड में कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है। तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रहा। तो गाइस मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे अपना अप्लाई कर देना। ठीक है, तो बैटल ग्राउंड आपको सिंपल से स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एकदम लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको एरो दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। ठीक है गाइस, सेटिंग में जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप जो टॉप पे देखोगे बेसिक्स में टॉप पे देखना है, वहाँ पे लिखा रहेगा अकाउंट ट्रांसफर, तो आपको वहाँ पे सिंपल से क्लिक करना है। ठीक है गाइस, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको गूगल का ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का दिखेगा। तो आपको गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको सिंपल से अपना ग्लोबल पबजी ग्लोबल इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ पे जो आपका गूगल का अकाउंट था ना उसको यहाँ पे गूगल से हटा के आपको यहाँ पे सीधे से फेसबुक से कनेक्ट कर देना है गाइस। ठीक है, बस आपको इतना करना है। एंड देन आपका जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया होगा उसका जो मतलब सेटिंग में जाना है, आपको यहाँ पे क्लियर कैश करना है, आपको क्लियर डाटा कर देना बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का, और फिर से आपको यहाँ पे ओपन करना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और वहाँ पर फिर से आपसे डाटा ट्रांसफर के बारे में पूछेगा। तो आपको यहाँ पे सीधे से अपना फेसबुक अकाउंट है वहाँ पे को क्लिक कर देना, तो आपका जो ग्लोबल की आईडी होगी वो आपका बैटल ग्राउंड में खुल जाएगा। बस इतना सा सिंपल से ट्रिक है। अगर गाइस फिर आपको यहाँ पे सीधे से अपना जो फ़ोन है उसको रिबूट कर लेना है, फिर आप स्टार्ट करोगे तो आपका फ़ोन में जरूर से जरूर आपकी आईडी खुल जाएगी ग्लोबल की। अगर फिर भी आपकी ग्लोबल आईडी नहीं खुलती है अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, तो गाइस यहाँ पर बस एक ही सोल्यूशन है, आपको यहाँ पर रियल वाला बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का वेट करना पड़ेगा। अब वो कब आएगा गाइस, अब उसका मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता, पर एक मंथ है गाइस, पर अब एक मंथ के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा आपके एंड्रॉइड फ़ोन में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो गाइस ये बस इतना सा बोलूँगा। तो गाइस आप लोग जल्दी जल्दी ऐसा कर लेना, मतलब आपका अगर हो जाए तो सही है, नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो गाइस बस इतना ही बोलूँगा मैं वीडियो में। तो गाइस अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर दो, और कमेंट बताओ गाइस कैसा लगा वीडियो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बाय बाय गाइस।